हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज आपकी AHDP फर्स्ट ईयर की क्लास है जो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट यानी LPM चल रहा है, जिसका लेसन नंबर 10 आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि विभिन्न पशुओं में तापमान, श्वसन दर अथवा नाड़ी दर्याद करना। तो इनके बारे में आज विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे कि क्या होते हैं, इसमें क्या क्या उपकरण काम आते हैं, कैसे तापक्रम लेते हैं, नाड़ी दर लेते हैं। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है तापक्रम, यानी तापक्रम क्या चीज है, कितने प्रकार का होता है, तापक्रम मापने के क्या उपकरण होते हैं, तापक्रम कैसे मापते हैं और विभिन्न पशुओं में औसतन तापमान कितना होता है, तापक्रम कौन कौन से रेंज से नापते हैं, सेल्सियस और फारेनहाइट से, और तापक्रम से संबंधित कुछ शब्दावली या टर्म, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है लेसन नंबर 10 का तापमान, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तापमान क्या है कि पशु चिकित्सा या ह्यूमन चिकित्सा में शरीर को साधारण तापक्रम जानना एक महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। और शरीर के दूसरा टॉपिक है, शरीर का तापक्रम बनाए रखने के आधार पर पशुओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो आपकी पहली श्रेणी है पिक्लोथर्मल पावर एनिमल। तो इस वर्ग के अंतर्गत वे प्राणी या पशु आते हैं जो बाह्य वातावरण को सहन नहीं कर पाते, तो उन जानवरों को या प्राणी को कहते हैं पिक्लोथर्मल एनिमल। तो वो कौन से जानवर हैं? सर्प, मछलियां, यानी मछलियां और सर्प बाह्य वातावरण के संपर्क में आने पर काफी इरिटेशन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, घबराहट पैदा हो जाती है और अंत में मर भी जाते हैं। यानी मछलियों को ठंडे वातावरण यानी समुद्र से बाहर निकालेंगे बाह्य वातावरण के संपर्क में, तो मछली कुछ समय बाद मर जाती है। इसी तरह सर्प है, तो इसलिए सर्प ज्यादा मात्रा में ज्यादातर फिलों में रहता है यानी ठंडे वातावरण में। दूसरा आपका भाग है हीमोथर्मल एनिमल। इस वर्ग में वे पशु आते हैं या प्राणी आते हैं जो बाह्य वातावरण को सहन कर सकते हैं, जैसे मानव, पक्षी। कि मानव देश से विदेश आता जाता रहता है, गांव से शहर, ठंडे गर्म वातावरण के संपर्क में आता तो मानव सहन कर लेता। इसी तरह विभिन्न पक्षी जानवर विचरण करते हैं तो विभिन्न तरह की हवाओं लू वातावरण को सहन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जंगली जानवर होते हैं, ठंडे वातावरण सर्दियों का टाइम आता तो उसको सहन कर लेते हैं और गर्मी का टाइम आता तो भी इसको सहन कर लेते हैं। तो प्राणी किसमें आते हैं? हीमोथर्मल एनिमल।
अब इसके अंतर तापमान के अंतर दूसरा टॉपिक है, टॉपिक है कि पशुओं को तापमान लेने के स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ ले रहा था कि साधारणतः पशु का तापमान रेक्टम से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है दोस्तों? रेक्टम से मापा जाता है, लेकिन कभी कभी योनि मार्ग या वेजाइना से भी तापमान माप लेते, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ा हो जाती है। यानी पशु हीट में होता है तो उसका तापमान लगभग थोड़ा फर्क आ जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें नोट दिया हुआ है कि ध्यान रखें कि मादा पशु जब हीट में हो तो उसका तापमान साधारण तापमान से 1 फारेनहाइट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है दोस्तों? 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान बढ़ जाता है। अब तापक्रम का स्थान पढ़ लिया, लेकिन वहां कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है। तापक्रम उपकरण यानी थर्मामीटर क्या है? तो थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, तो ये क्या होता है? ये एक कांच से निर्मित होता है जिसमें पारा भरा होता है। दोस्तों क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। अब है थर्मामीटर के प्रकार। पहले थर्मामीटर का प्रकार दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, डायबोटिक थर्मामीटर, और एक होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर वो होते हैं जो लेबोरेटरी में काम लिए जाते हैं, जिसमें पारा भरा होता है, वो कांच से निर्मित होते हैं, ऊपर गोल टाइप होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर इसके अंदर कवर्ड होता है, जिसमें पारा नीचे उतरता है। लेकिन आजकल एक तीसरा भी थर्मामीटर आ गया है, डिजिटल। तीसरा एक थर्मामीटर आजकल आ गया है डिजिटल, जो एक त्रिकोणात्मक रूप में होता है और इलेक्ट्रॉनिक सेल द्वारा संचालित रहता है, जिसमें एक स्क्रीनशॉट प्लेट होती है जिस पर तापमान अंकित होता है। तो ये आपका तापमान से संबंधित कुछ साधारण तकनीक है या शब्दावली है। अब इसमें एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है आपका कि पशु का तापमान लेने से पहले या तापमान लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। पशु का तापमान लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो पशु का तापमान लेते समय कुछ सावधानी निम्न है। जैसे थर्मामीटर को काम में लेने से पहले डिटॉल सॉल्यूशन आदि में उसका अगला हिस्सा डुबो लें, स्टेलाइजर कर लें। दूसरा है इसमें इंपॉर्टेंट कि थर्मामीटर को गुदा मार्ग में कम से कम थर्मामीटर को गुदा मार्ग में कम से कम 1 मिनट तक रखें, तभी आप तापमान का आकलन करें कि ज्यादा है कम है क्या है। तो ये कुछ सावधानी है। अब इसमें नोट्स है, कि पशु के तापमान को सेल्सियस व फारेनहाइट में बदलने का
सूत्र, ये 2018-19 के एग्जाम में एलएसी में पूछ लिया गया है। तो इसके अंतर्गत सूत्र है, पहला सूत्र है आपका सेल्सियस, फॉरेनहाइट -32/2 × 5। इसी तरह फॉरेनहाइट में बदलने का सूत्र, तो ये आपके सूत्र हैं, कई बार पूछ लिया जाता है और ये एग्जाम एलएसए के 2019 में आ चुका है। तो ये कुछ तापमान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अगला टॉपिक आपका होगा तापमान का, कि विभिन्न पशुओं में औसत तापमान कितना होता है। तो ये टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है।